हे गाइस व्हाट्सअप गाइस कैसे हो आप सब। होप यू ऑल फाइन। मैं नाम सत्यजीत, आप देखे सत्य गेम। और तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पबजी मोबाइल के अंदर दो न्यू वीपीएन इवेंट्स आ चुके हैं। जो दो वीपीएन इवेंट्स को ही मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोनों इवेंट ही आपको इसी वीडियो में मैं डाउट क्लियर कर दूंगा एंड इवेंट समझा दूंगा। एंड इन दोनों इवेंट्स में से एक इवेंट में से आपका परमानेंट वाला आउटफिट निकल सकता है, ठीक है। और एक वाला जो इवेंट है वो आपका टाइम लिमिटेड आइटम मिलेंगे, ठीक है। तो कैसे आपको क्या करना होगा वही आज इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए। वीडियो का लाइक है वो रखते हैं 200, तो 400 से लाइक जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज दोस्तों 400 से लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो इवेंट है ये आपका कुछ ही सिलेक्टिव सर्वर्स के अंदर आया है, एंड कौन से सर्वर्स के अंदर आया है वो मैं आपको वीडियो का लास्ट में दिखा दूंगा। तो फर्स्ट जो इवेंट आया है वो है मैजिकल प्लान्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो ऑप्शन पर जब क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो ड्यूरिंग द इवेंट यूज वन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स सनलाइट हार्ट एंड वाटर टू गेट अ हार्ट ट्री, ठीक है। तो आपको एक हार्ट ट्री मतलब ग्रो करना होगा, एंड उसको ग्रो करने के लिए आपको सनलाइट हार्ट एंड वाटर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको सनलाइट कलेक्ट करने के लिए वन सनलाइट इज जनरेटेड एवरी 5 मिनट्स, मतलब आपका वन सनलाइट आपका 5 मिनट्स के बाद जनरेट होता रहेगा। उसके बाद कंप्लीट वन क्लासिक मैच वाइल टीम अप विथ फ्रेंड्स टू गेट वन वाटर, तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ अगर एक मैच खेलोगे तो आपका एक वाटर हो जाएगा। और चैट विथ वन फ्रेंड्स टू गेट वन हार्ट, तो अगर आपके फ्रेंड्स के साथ आप मतलब यहाँ पर जो चैट होता है वो करते हो तो फिर आपका एक हार्ट हो जाएगा। एंड इन तीनों को मिलाकर आप एक ट्री बना सकते हो, एंड मैक्सिमम आप डेली के डेली 10 आप ले सकते हो, ठीक है। जहाँ पर लिखा हुआ है कि अपर लिमिट स्टोरेज ऑफ ईच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज 10, अप टू 10 हार्ट्स एंड वाटर कैन बी ऑब्टेंड एवरी डे, मतलब मैक्सिमम 10 वाटर और 10 हार्ट 10 सनलाइट ये सारे ले सकते हैं। प्लांट अ हार्ट ट्री इन एनी एरिया इन अ मैच टू गेट अ स्वीट ट्रीट्स सेट व्हिच कैन ओनली बी यूज्ड इन द सेम मैच, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैं बताता हूँ, उससे पहले देख लेते हैं कि प्लांट हार्ट ट्री इन द मिशन स्पेसिफाइड एरियाज इन अ मैच टू कलेक्ट मिशन रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो 6 पॉइंट है कि प्लांट अ हार्ट ट्री इन एनी एरिया इन अ मैच, ठीक है, टू गेट अ स्वीट ट्रीट सेट व्हिच कैन ओनली यूज इन द सेम मैच, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये स्वीट ट्रीट सेट देख पा रहे हो ये आप ले सकते हो एक मैच के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ग्रो हार्ट ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर एक हार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एक हार्ट ट्री आपका यहाँ पर रेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका एक हार्ट ट्री आपके पास है। अब इसको आपको प्लान करना होगा, प्लान कहाँ करना होगा, प्लान आपको एक स्पेसिफाइड जगह दिखा देंगे। जब मैप के अंदर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपको स्पेसिफाइड कुछ जगह दिखा देंगे, उसी जगह पर जाकर आपको वो प्लान करना होगा। आप जाओगे तो आपका एक ऑप्शन आएगा कि प्लान ट्री ऐसा कुछ आएगा, वहाँ पर उसी लोकेशन के अंदर जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि नोवो वाला एरिया दिखा रहा है, तो नोवो में जाकर जब आप जाओगे तो आपको प्लांट वाला एक ऑप्शन आएगा, प्लांट ये वाला एक ट्री कर दोगे तो फिर आपको वहाँ पर प्लांट हो जाएगा। एंड उसी ट्री प्लांट होने के बाद आपको वहाँ से ही आपको ये वाला जो आप देख सकते हो स्वीट ट्रीट सेट वो आपको उसी मैच के अंदर पहनने के लिए मौका मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको उसके बाद मतलब एक कर लोगे तो आपका यहाँ पर उसके जब मैच खत्म कर दोगे तो आपको ये वाला जो हेड मिरर जो टाइम लिमिटेड है वो भी मिलेगा और बीपी भी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद वो करके जब यहाँ पर आओगे तो तब ये आप ले लेना, कलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से आप देखना कि आपको और एक न्यू लोकेशन दिखाया जाएगा, एंड आपको फिर से ये जो हार्ट वाटर एंड सनलाइट है वो कलेक्ट करके और एक ट्री ग्रो करना होगा, एंड वो फिर से न्यू लोकेशन जो बोलेंगे वहाँ पर जाकर आपको फिर से एक प्लांट करना होगा ट्री। प्लांट करने के बाद आपको वहाँ पर आपको उसी मैच के लिए आपको ये वाला आउटफिट पहनने के लिए मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप क्या करना, आप नॉर्मली गेम फिर से वापस आओगे तो आपको कुछ और चीज़ें मिलेंगी। तो आपको यहाँ पर सारे के सारे टाइम लिमिटेड चीज़ें, तो जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके बाद जो मैं बोल रहा था परमानेंट वाला, उसको करने के लिए आपको पहले आपको एक वीपीएन कोई भी कनेक्ट कर लेना। तो जैसे कि मैंने स्पीडीफाई वीपीएन कनेक्ट कर चुका हूँ, और ये भी आपका वीपीएन ही है, वीपीएन ट्रिक है। तो ये कौन से सर्वर्स पर आया है, थाईलैंड, हांगकॉन्ग, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है, इन चारों सर्वर्स पर आया है। और इसके अलावा अगर किसी और जगह पर आया है तो जरूर कमेंट्स पर बता देना, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। पबजी एम लूनर न्यू ईयर फ्रूट यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ये जो इवेंट है आप थोड़ा सा समझ लो तो फिर आसानी हो जाएगी, ठीक है। एकदम से सिंपल इवेंट है, बस
थोड़ा सा क्रिटिकल वे में यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन इस इवेंट को एक्सेस करने के लिए आपको VPN कनेक्ट करके रखना होगा, ठीक है, नहीं तो ये इवेंट ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा टाइप का आपको इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको बोलेगा कि मिशन इनवाइट हिस्ट्री, ठीक है। ये कल ही आया था और ये चलने वाला 21 तारीख तक, तो आपके पास लगभग 13 डेज तक टाइम है इस इवेंट को खेलने के लिए, ठीक है। क्या करना होगा, यहाँ पर मिशंस के अंदर जब क्लिक करोगे तो आप देखना कि यहाँ पर कुछ मिशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो डेली लॉगिन वाला मैंने कलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे मिशंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल वे में आपको समझा देता हूँ। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको यहाँ से नॉर्मली 5 फ्रूट्स कलेक्ट करना होगा, एंड 5 फ्रूट्स को कलेक्ट करोगे तो आपको एक स्पिन मिलेगा, एंड वो स्पिन करोगे तो आपका परमानेंट वाला चीज़ें मिल सकता है। या फिर आप ये जो डेली मिशन है वो करोगे, डेली मिशन करने के बाद आपको रैंडमली ये जो रेड पैकेट है वो ओपन करने का मौका मिलेगा, एंड वो रेड पैकेट्स ओपन करके आपको रैंडमली परमानेंट वाली चीज़ें मिल सकता है, ठीक है। तो यही एकदम सिंपल सा इवेंट है। अब ये जो मिशन आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिशन दिए हुए, ये मिशन को आप करना, जैसे कि डेली लॉग इन आप देख सकते हो, या इसके बाद शेयर द इवेंट ऑन फेब्रुअरी 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, ठीक है। तो बीच में से देख सकते हो 9th आज का डेट गायब है, तो कल कर सकते हो, 11, 12 को कर सकते हो, 13, 14 को कर सकते हो, 15, 16 को आपका नहीं होगा, 19 को नहीं होगा, ऐसे कर करके आपको जस्ट नॉर्मली शेयर करना है, ठीक है। शेयर करोगे तो आपको रेड पैकेट ये और एक मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आप और देख सकते हो मिशन है, वो मिशन को करोगे तो आपको ये जो रेड पैकेट है उतने आपका, जैसे 1, 2, 3, 5 ऐसा लिखा हुआ है, वैसे आपका उतना रेड पैकेट्स मिलेंगे, एंड वहाँ पर ओपन करोगे तो आपका रैंडमली कुछ भी निकल सकता है। आप क्या क्या निकल सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि रेड पैकेट्स के अंदर आपका क्या क्या है। प्रीटी इन पिंक सेट परमानेंट निकल सकता है, या फिर 3 दिन के लिए निकल सकता है, या 7 दिन के लिए निकल सकता है, या फिर क्लासिक क्रेट कूपन स्क्रैप 2 निकल सकता है, सप्लाई क्रेट कूपन स्क्रैप 1 निकल सकता है, या फिर सप्लाई क्रेट कूपन 1 निकल सकता है, या फिर मिशन आरपी कार्ड सीजन 17 भी निकल सकता है, और AG 20 निकल सकता है, या 2 टाइम XP कार्ड 1 आवर का भी 1 निकल सकता है, कुछ भी रैंडमली निकल सकता है। और इसके साथ आपका जो फ्रूट्स है वो निकल सकता है। अब ये जो फ्रूट्स है वो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको रैंडमली जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देखना कि यहाँ पर आपका कुछ फ्रूट्स का नाम दिया हुआ है कि सावर, सूप, फिग, कोकोनट, पपाया, मैंगो, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स है, अगर आपके पास सारे के सारे फ्रूट्स एक एक करके हो जाता है तो आपका एक स्पिन आपका यहाँ पर हो जाएगा, और वो एक स्पिन आप यहाँ पर लकी लॉटरी के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि लकी जो लॉटरी टिकट है मेरा 0 है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ सावर सूप जो है वो ही 1 है, लेकिन मेरे पास अगर सावर सूप, फिग, कोकोनट, पपाया, मैंगो ये तीनों के तीनों एक एक करके हो जाता है, और उसके बाद मैं अगर कलेक्ट लकी लॉट पर क्लिक करता हूँ तो मेरा एक स्पिन यहाँ पर हो, मतलब हिसाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिल इन द क्वांटिटी ऑफ लॉटरी, अब फिल इन द क्वांटिटी ऑफ लॉटरी मतलब अगर आप एक ही बार में लास्ट में करना चाहते हो, इसी के लिए बोला जा रहा है, फिग या कोकोनट या पापाया या मैंगो कहाँ से मिलेगा, ये आपका जो रेड पैकेट है यहाँ से रैंडमली निकल सकता है। जैसे कि मुझे भी ये जो सावर सूप मिला है वो मेरा रैंडमली इसी रेड पैकेट से ही निकला है। तो रेड पैकेट से आपका रैंडमली कोई भी फ्रूट्स निकल सकता है। इसके अलावा आपको और फ्रूट्स कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर इवेंट्स में ही लिखा हुआ है कि हाउ टू गेट फिग्स ऑन 11-2, मतलब आपका 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी एंड 14 फरवरी को जब इस गेम के अंदर आओगे, मतलब इस इवेंट के अंदर आओगे, तो आपको रैंडमली कोई भी फ्रूट आपको रैंडमली मिल जाएगा। उसके साथ अब एंटर एन एक्सचेंज आईडी ऑफ एनी फ्रेंड टू गेट टू कलेक्ट फिग 1, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपको अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग आईडी में अलग अलग एक एक्सचेंज आईडी दिया गया है, ठीक है। तो एक्सचेंज आईडी मैं अपना भी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लेना तो कहाँ पर है। तो वो एक्सचेंज आईडी अलग अलग दिया गया है, तो वो एक्सचेंज आईडी अगर आपका फ्रेंड का एक्सचेंज आईडी आप अपने वहाँ पर डालोगे तो आपको एक फ्रूट मिल जाएगा। कोई भी रैंडमली कोई भी फ्रूट मिल सकता है, या फिर वो अपना कोई सिलेक्टिव फ्रूट अगर आपको देना चाहता है वो भी कर सकता है, ठीक है। वहाँ जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्रेंड्स कैन कलेक्ट फिग्स बाय एंटरिंग योर एक्सचेंज आईडी, तो मेरा एक्सचेंज आईडी भी अगर आप मतलब यूज करते हो तो आपको भी एक फ्रूट मिल सकता है, ठीक है। इफ फ्रेंड्स डू नॉट लॉग इन फॉर 0 to 7 days, मतलब इसके बाद अगर फ्रेंड इस इवेंट के अंदर 7 दिन तक लॉग इन नहीं करता है तो आपको एक फ्रूट, ये जो एक फ्रूट या ये एक फिग जो है वो आपको मिल जाएगा, और वो अगर 7 दिन से ज्यादा नहीं लॉग करता है तो फिर आपको 2 फ्रूट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग द इवेंट ईच पर्सन सेपरेट एक्सचेंज आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एक्सचेंज आईडी है वो कहाँ पर है, जैसे कि देख सकते हो नीचे लिखा हुआ एक्सचेंज आईडी। अब ये एक्सचेंज आईडी अगर आप मुझे देना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको भी
यहाँ ऐसे इवेंट के अंदर आना होगा, एंड अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई फ्रूट है तो फ्रूट के वहां पर जाकर गिफ्ट पर क्लिक करके मेरा वाला एक्सचेंज आईडी देना होगा। और मैं अगर किसी को देना चाहता हूँ तो मुझे ऑलरेडी तो मेरे पास एक है, तो गिफ्ट पर क्लिक करूंगा ना आपका जो एक्सचेंज आईडी है वो डालूंगा, तो आपको वो मेरा ये फ्रूट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्रिस क्रॉस है, ठीक है। और एक टिकट आपको वैसे मिलेगा, मैंने बता दिया, और उस टिकट से आप जब गो पर क्लिक करोगे तो आप कुछ भी निकल सकता है। मतलब ये जो इवेंट है एकदम लाख वाला फैक्टर है, और फर्स्ट वाला इवेंट उतना अच्छा नहीं है। बस इवेंट आपको समझाना था क्योंकि आप लोगों को डाउट होगा, क्योंकि इवेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पबजी वाले बना देते हैं। ठीक है, तो यही था वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिसी एंड पीस आउट।